नमस्कार। आज मैं उन लोगों के लिए एक साधारण सी बात बताने जा रही हूँ जो साधारण है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होती। जिन लोगों को बच्चा कंसीव नहीं होता है, ऐसे पेयर जिनकी शादी को लंबा समय गुजर गया है लेकिन कंसीव नहीं हुआ है, या कंसीव हो जाता है लेकिन बच्चा रुकता नहीं है, तो उनके लिए मैं ये साधारण सी बात आपको बता रही हूँ। इसे आप कृपया करके देखें और आपको इससे लाभ अवश्य ही मिलेगा। आप ये आजमाई हुई तरकीब है। हाथी की शुभता के बारे में आपको पता ही होगा। जब भी हम लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी देखते हैं तो उनके दोनों तरफ दो हाथी सूंड उठाए हुए खड़े होते हैं। जहाँ पर भी लक्ष्मी जी की बात होती है वहाँ पर हाथी अवश्य होते हैं। इसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी को हाथी का ही रूप माना गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ हाथी की क्या महत्ता है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो उपाय हाथी से ही संबंधित है। आप इसे करें और इसका देखें, बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। तो हाथी जो होते हैं वो सौंदर्य, यानी कि हम जो डेकोरेशन घर में करते हैं उसको तो बढ़ाते ही हैं, डेकोरेटिव पीस के रूप में। हमें लगता है कि शायद सभी घर में हाथी का जो स्टैचू है, तस्वीर है, उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बेनिफिट अदर रूप में भी जान लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हाथी क्या है, एक पावर, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और वेल्थ का प्रतीक है, ये आप जानते हैं। हाथी यानी कि शक्ति, पावर, हाथी यानी कि वेल्थ। वेल्थ मतलब जब भी जहाँ भी लक्ष्मी जी हैं वहाँ पर हाथी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वेल्थ से जुड़ा हुआ सिंबल है हाथी। अब जब कभी भी हम हाथी का जो स्टैचू वो घर में रखते हैं तो उसको एक स्टैचू आता है जिसमें सूंड उठी हुई होती है, और अगर हम तस्वीर लेते हैं तो सूंड उठी हुई होती है और उसमें से वो पानी का फव्वारा जैसा फेंक रहे होते हैं। तो और एक स्टैचू होता है जिसमें सूंड नीचे को होती है, ज़मीन को छू रही होती है। ये दो तरह के स्टैचू हाथी के आते हैं और दोनों का ही प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो पहला प्रयोग मैं बता रही हूँ आपको, जब हाथी की सूंड नीचे हो वो वाला स्टैचू। ऐसा स्टैचू उन लोगों को जिनकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्रयोग करना है और उनको एक हाथी का प्रयोग करना है। आप चांदी का एक हाथी लाएं जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, उसे ला करके आप गंगाजल से धोएं और चांदी की कटोरी में ही गंगाजल भर करके उस हाथी को उसमें रख दें। उसके पैर गंगाजल में डूबे हुए रहने चाहिए पूरे टाइम। जब गंगाजल सूखने लगे तो वापस उसमें गंगाजल भर दें और इस स्टैचू को आप अपने बेडरूम की वेस्ट साइड में रखेंगे। जो भी रूम है उसकी वेस्ट साइड में आप इसे रख लेंगे एक चांदी की कटोरी में। अगर चांदी की कटोरी अवेलेबल नहीं है किन्हीं कारणों से तो आप कांच की बाउल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें गंगाजल भरें और इतना कि उसके पैर उसमें डूबे हुए रहें। आप इसे रखिए तो कंसीव करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो स्टैचू है वो फर्टिलिटी को शो करता है। और ये आपको अगर कई बार कंसीव हो जाता है लेकिन बच्चा रुकता नहीं है, उसमें भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका बच्चा रुकेगा और बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा आपका पैदा होगा। लेकिन आपको ये पूरे टाइम कंसीव करने से पहले से लेकर के बच्चा पैदा होने तक अपने रूम में इसको रखना है। तो ये प्रयोग है फर्टिलिटी के लिए। और सिंगल स्टैचू, एलिफेंट का सिंगल स्टैचू जिसकी ट्रंक जो है वो नीचे की तरफ हो। अब अगर हमारे रिलेशनशिप माँ और बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, वो माँ बाप की नहीं सुनते हैं। कई बार जब टीन एज में बच्चे आते हैं तो रिलेशनशिप ख़राब होने लगते हैं बच्चे और माँ के बीच में। माँ जो कहना चाहती है बच्चे उसको समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, तो रिलेशनशिप ख़राब होती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक हाथी और उसके साथ में एक बेबी हाथी, दो हाथी लेने हैं आपको, एक हाथी और दूसरा बेबी।
दोनों एक साथ हों, अगर आपको स्टैचू मिलता है बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसे आप अपने लिविंग रूम में लगाएं, जहाँ पर के ज़्यादातर टाइम बच्चे और माँ साथ में रहते हैं। अगर बच्चे आपके साथ में ही सोते हैं तो आप इसे बेडरूम में भी लगा सकते हैं। इससे मदर और चाइल्ड की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होने लगेगी। और अगर पूरी फैमिली की रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, आप बॉन्डिंग को अच्छा करना चाहते हैं, तो एक एलिफेंट फैमिली जिसमें मदर, फादर, बच्चे, एलिफेंट फैमिली में 5, 6, 8 जितने भी हाथी होते हैं, तो आपको स्टैचू नहीं लेकिन तस्वीर आपको ऐसी अवश्य मिल जाएगी, वो आप अपने लिविंग रूम में लगाएं। लेकिन इसकी डायरेक्शन आपको कहाँ रखनी है? वेस्ट डायरेक्शन, वही डायरेक्शन जो फर्टिलिटी के लिए आपने रखी है, वही आपको रखनी है। वेस्ट डायरेक्शन में आपको ये तस्वीर या स्टैचू लगा देना है। अगर आप गुड लक और वेल्थ के लिए हाथी का स्टैचू इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप स्टैचू तो आपके घर में रखे हुए ही हैं, बस एक ध्यान रखें कि इनकी ट्रंक जो है वो नीचे की तरफ ना हो, ऊपर उठी हुई हो, चीयरफुल मोड में। और जो हाथी जो होता है, जब खुश होता है, जब मस्ती के मूड में होता है, तो वो सूंड ऊपर उठाता है। अगर वो पानी में होता है तो वो पानी से खेलता है और पानी ऊपर फाउंटेन की तरह फेंकता है, जब भी वो चीयरफुल मूड में होता है। तो जब आपको गुड लक वेल्थ के लिए हाथी का स्टैचू इस्तेमाल करना है, तो आप ध्यान दें कि ट्रंक हाथी के ऊपर की तरफ हो, जैसे कि लक्ष्मी जी की तस्वीर के साथ में आपने देखा होगा फाउंटेन की तरह पानी फेंकता हुआ हाथी, तो वो वाली तस्वीर आपको घर में लगानी है। और आपको जब भी ये लगानी है हाथी की तस्वीर, तो डायरेक्शन जो होती है वो वेस्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आपको प्रोटेक्शन और निगेटिविटी से बचने के लिए एलिफेंट स्टैचू का इस्तेमाल करना है, तो इसमें आपको एलिफेंट का एक पेयर लेना होगा, जो दोनों एलिफेंट एक जैसे हों और ट्रंक वही ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। इसे आप अपने मेन गेट के दोनों तरफ एक एक हाथी रखते हैं, लेकिन दोनों हाथी एक जैसे ही होने चाहिए, अलग अलग तरह के हाथी ना, पेयर होना चाहिए। वो आप अपने मेन गेट पर रख दें, और इनका जो फेस है, जो ट्रंक है, वो मेन गेट के बाहर की तरफ होनी चाहिए। अगर आप गेट के बाहर रख पाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं है जगह, आपको गेट के अंदर की तरफ ही रखने पा रहे हैं, तो भी हाथी का जो फेस है वो घर के बाहर की तरफ होना चाहिए, जिससे कि निगेटिविटी को ये दूर रख सकें। ये प्रतीक माना जाता है कि कोई भी निगेटिविटी हाथी की स्ट्रेंथ और हाथी की पावर के आगे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो आप इसके लिए एक पेयर लें हाथी का, और जिस तरह से बताया है वैसे ही आप मेन गेट पर रख दें। और अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, तो आप ये अवश्य ही करें, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप करके देखिए और आपको इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो आप हाथी की वेल्थ, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन वाली जो पावर है उसका प्रयोग करके देखिए। हाथी का स्टैचू अगर आपने घर में रखा हुआ है, तो बस डायरेक्शन उसको सही कर दीजिए और उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब आप एलिफेंट स्टैचू का प्रयोग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए करें, गुड लक के लिए करें, तो ध्यान रहे कि एलिफेंट की जो ट्रंक है, एलिफेंट का जो फेस है, वो घर की तरफ हो और ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। ये आपको गुड लक और वेल्थ के लिए जब स्टैचू रख रहे हैं तब ध्यान रखना है।